अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी हथेलियों या पैरों के तलवों से त्वचा की ऊपरी परत फटने या उतरने लगती है। यह देखने में बहुत भद्दा और खुरदुरा सा लगता है। हालांकि इसमें कोई दर्द या खुजली नहीं होती और खुद ही कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। दरअसल त्वचा की 3 परत होती है और सबसे ऊपरी परत कई बार ड्राई होने या डेड सेल्स की उतरने पर यह समस्या होती है। यह कोई गंभीर समस्या नहीं है, यह पुरानी त्वचा के हटने और नई त्वचा के आने की प्रक्रिया है। इस प्रोसेस को स्किन पीलिंग कहते हैं। यह समस्या ड्राई स्किन वालों में अधिक देखी जाती है। कई बार त्वचा के फटने और परत की उतरने की समस्या मौसम बदलने, इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी के कारण भी होती है। इस समस्या को आप बिना क्रीम अप्लाई किए या दवाओं के सेवन के घरेलू उपायों की मदद से दूर कर सकते हैं। हाथों की त्वचा के फटने के कारण। हाथों की त्वचा की परत उंगलियों के पास अधिक उतरती है क्योंकि यहाँ की त्वचा नाजुक होती है। कई बार यह समस्या त्वचा के अधिक ड्राई होने, किसी तरह की स्किन एलर्जी, केमिकल प्रोडक्ट्स का अधिक इस्तेमाल, शरीर में विटामिन बी की कमी आदि के कारण होने लगती है। यदि यह 7-8 दिनों तक ठीक नहीं हो रहा है और तेजी से फैल रहा है तो बेहतर है कि आप डॉक्टर से संपर्क कर ले। एलोवेरा दूर करे या परस की समस्या। हाथों की त्वचा की परत उतर रही है तो इसे आप एलोवेरा जेल से ठीक कर सकते हैं। एलोवेरा जेल में मॉइस्चराइजर गुण मौजूद होते हैं जो स्किन की ऊपरी परत के हटने की समस्या को ठीक करते हैं। इस जेल को हथेलियों पर लगाने से हथेलियां मुलायम बनती है, इससे खुजली और जलन भी दूर होती है। 1 चम्मच एलोवेरा जेल लें, इसमें विटामिन ई युक्त तेल की कुछ बूंदें मिलाएं। इस मिश्रण को हथेलियों और पैरों के तलवों पर लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब इसे गुनगुने पानी से साफ कर लें। ऐसा 2 से 3 दिन आजमा कर देखें, स्किन पीलिंग की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह की और जानकारी युक्त वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।